पिकाचू? ये कौन सा पोकेमोन है? तो चलो देखते क्या बनता है, इवॉल्व करते और देखते हैं कौन सा पोकेमोन बनता है। लेट्स गो। जो शाइनी पोकेमोन होते गाइस वो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं पिकाचू में जब ये इवॉल्व हो जाएगा। सो हे गाइस, जैसे कि भाई आप लोगों को पता है कि हम अपना नेदरराइट का सूट बना चुके थे, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में अब डेंजर पोकेमोन के अलावा भाई कुछ मोब्स भी स्पॉन होने लग गए जिनसे हमें बहुत ज्यादा खतरा है। तो मैंने पूरा ही आर्मर अपना नेदरराइट में कन्वर्ट कर दिया था, बट गाइस मेरी जो पैंट है वो नेदरराइट में कन्वर्ट नहीं हो पाई थी। तो चलो भाई इसको भी नेदरराइट में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो यार मैं सो जाता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो रही है और आसपास ना बहुत सारे एनिमीज मोब वगैरह और नए नए डेंजर पोकेमोन स्पॉन हो रहे हैं। तो भाई कुछ घर वर को ना तोड़ दे फालतू में क्रीपर व्रीपर आके, तो नाइट को स्किप कर देते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पे जो ये मेरे चार्जर है ना ये फुल्ली चार्ज हो चुके हैं, तो अभी तो मेरे पास कोई भी पोकेमोन नहीं क्योंकि मैंने अपने सारे के सारे पोकेमोन कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखे हुए हैं, क्योंकि भाई अब इनमें से कुछ जो पोकेमोन है वो इवॉल्व होने वाले हैं और आज भाई हम कुछ पोकेमोन को इवॉल्व भी करेंगे और उनके नए नए मूव्स अनलॉक करेंगे और कुछ भाई खतरनाक पोकेमोन अपने को पकड़ने भी है। जैसे कि हमारा पहले वीडियो में टारगेट था यानी कि फर्स्ट 100 डेज में कि हमें एयर फायर ग्राउंड और अर्थ ये वाले पोकेमोन पकड़ने, तो भाई फिलहाल अपने पास देखेंगे कि कौन कौन से पोकेमोन हो गए और कौन से पोकेमोन रहते हैं। अभी मेरे को नेदर राइट बनाना है, तो नेदर राइट बनाने के लिए मेरे को एंडर पल चाहिए होगा और आई थिंक आयरन इनगट चाहिए होगा, तो देख लेता हूँ भाई इससे बन जाएगा। ओके गाइस इससे बन गया। तो भाई मैं जो मोड यूज कर रहा हूँ वो मैं इजी नेदर राइट वाला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को कुछ माइनिंग वाइनिंग नहीं करनी है इस मोड पैक में, अपने को सिर्फ एक्सप्लोरेशन करना है। तो फिलहाल मेरी पैंट भी बन चुकी है और यहाँ पे मेरा पूरा सूट हो चुका है नेदर राइट में कन्वर्ट। हाँ ये इंचेंटेड नहीं है भाई अभी तक, और हाँ अभी तक मैंने एंडर ड्रैगन को भी नहीं मारा है। Shit! एंड वन मोर थिंग गाइज, आज हम एक ऐसी बॉल बनाएंगे यानी कि पोकेमोन पकड़ने वाली बॉल, जिसको बोलते हैं हम मास्टर लेवल बॉल, और उसके बाद गाइज मैं मास्टर बन जाऊंगा पोकेमोन्स का। Very dangerous! मतलब फिलहाल मैं अभी मास्टर लेवल पे नहीं हूँ भाई, क्योंकि मेरे कोई भी पोकेमोन 100 लेवल के नहीं है। मेरा जो मैक्स लेवल का पोकेमोन है वो है 99 का, और गाइज ये जो बटरफ्री है ना ये 99 लेवल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, अपने को कम से कम 4000 का जो है 90 लेवल करना चाहिए था, बट अभी फिलहाल 4071 लेवल का हुआ है। और भाई जो जो पोकेमोन मैंने इवॉल्व करूंगा ना वो अभी आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। एंड गाइस यस, मैंने ऑफलाइन एक नया पोकेमोन पकड़ा था जिसका नाम है मैजिक कार्प, तो भाई इस मैजिक कार्प को भी इवॉल्व करेंगे क्योंकि इसका इवोल्यूशन आ गया है। और लास्ट एपिसोड में हमने भाई पीचू भी पकड़ा था, तो पीचू को भी इवॉल्व करेंगे। और हाँ ये जो साइडक था ना गाइस, ये साइडक हमारे लिए एक तरह का राज बना हुआ था कि अगर साइडक को हम इवॉल्व करते हैं तो वो क्या बनता है। तो भाई बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि भाई ये बनता है। एंड गाइस यस, मैं वो कमेंट भी हाईलाइट करूंगा भाई जिसने एकदम बढ़िया जवाब दिया, और मतलब मैंने भी उनसे पूछा भाई। बाकी गाइस देखो, इवॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि उन भाई ने वो कमेंट सही करा था या गलत किया था, क्योंकि भाई अभी तक मुझे खुद नहीं पता साइडक को जब हम इवॉल्व करते हैं तो वो कौन से वाले पोकेमोन में कन्वर्ट होता है। तो चलो देखेंगे भाई। एंड मैंने सुना है गाइस साइडक जो है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है, वो दिखने में नूब जैसा दिखता है लेकिन सच में वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये शार्क जैसा क्या है भाई, ये भी पोकेमोन है क्या? आई डोंट नो भाई, बहुत नए नए पोकेमोन आ रहे गाइस जब से अपना लेवल अप हुआ है। सो गाइस यार मैं सोच रहा हूँ मैं लगे हाथों ना अपनी पिकेक्स और एक्स को भी अपग्रेड कर लेता हूँ नेदर राइट में, क्योंकि मैंने अपनी स्वॉर्ड तो अपग्रेड कर ही ली थी। दो नेदर राइट के इनगट और बना लेता हूँ मैं, और अपनी एक्स को और पिकेक्स को भी कर लेता हूँ कन्वर्ट। ये लो गाइस, अब मेरे पास सारे ही टूल्स भी और मेरे कपड़े वपड़े भी सब नेदर राइट में हो चुके हैं। हाँ हालांकि मेरे पास अभी तक इंचेंटेड नहीं है चीजें, तो इंचेंट हम बाद में करेंगे। एंड वन मोर थिंग गाइस, सबसे पहले मैं एंडर ड्रैगन को मार के आऊंगा, फिर उसके बाद हम अपने पोकेमोन इवॉल्व करेंगे और जो सबसे खतरनाक चीज है यानी कि मास्टर बॉल वो बनाएंगे। एंड गाइस देखो, मैं मास्टर बॉल की आप लोगों को रेसिपी दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये है वो मास्टर शाइनी पोकेमोन को पकड़ सकते हैं। यस गाइस, अब लेजेंडरी से भी ऊपर जाएंगे हम शाइनी पोकेमोन। जो शाइनी पोकेमोन होते गाइस वो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और उनको हम ऐसे ही नहीं पकड़ सकते, उनको पकड़ने के हमें मास्टर बॉल चाहिए होता है जो कि शल्कर बॉक्स, नेदर राइट और नेदर स्टार से बनती है। तो भाई देखो, नेदर स्टार को हम क्राफ्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर हम वीदर को मार करके उसके बाद भी नेदर स्टार ले सकते हैं, बट भाई मेरे को ये बनाना ज्यादा इजी लग रहा है मारने के अलावा, क्योंकि भाई मारने पर वो हमें मार भी सकता है क्योंकि हम हार्डकोर वर्ल्ड में, और हमें भाई एक्सप्लोरेशन पे ज्यादा ध्यान देना है ना कि हमें मॉब बैटल वगैरह ज्यादा करनी है, क्योंकि यार हम नहीं लड़ेंगे, हमारे पोकेमोन लड़ेंगे। तो फिलहाल हम क्राफ्ट करेंगे, लेकिन अपने को भाई वीदर स्कल तो चाहिए होंगे, इसके लिए अपने को नेदर जाना पड़ेगा। यस बॉय, एंडर ड्रैगन को ढूंढेंगे, तो एंडर ड्रैगन को ढूंढने के लिए भाई मुझे क्राफ्ट करनी पड़ेगी एंडर ऑफ आई, और एंडर ऑफ आई को क्राफ्ट करने के लिए मुझे ब्लेज पाउडर लगेगा, और ब्लेज अपने पास
नहीं है रे, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, यानी कि आज अपने को नेदर में भी जाना ही पड़ेगा। तो भाई नेदर में चलेंगे, और नेदर में चलने के लिए यार मैं ना देख लेता हूँ कि यहाँ पे अपने आसपास यार रूइन पोर्टल मिल जाए ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा अपने लिए। बट गाइस यार देखो एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे इतने सारे हमारे जो ये एप्रिकोट है वो आ चुके हैं, तो यार इनकी खेती तोड़ लेते हैं, क्योंकि यार काफी टाइम से हम इस वर्ल्ड में आ नहीं रहे थे भाई, क्योंकि मेरे दूसरा वाला 100 डेज भी चल रहा है। तो यार ये देखो ये खेती कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है, तो इसको भी फटाफट हार्वेस्ट कर लेते हैं। लगभग हमारे पास बहुत सारे एप्रिकॉट हो चुके हैं और उनके सीड भी हो चुके हैं, तो अभी घर के अंदर चलते हैं भाई और इन सीड को और एप्रिकॉट को रख देते हैं हम अपनी चेस्ट के अंदर, क्योंकि भाई अपने को इनकी जरूरत पड़ेगी भाई आने वाले टाइम में, क्योंकि यार बॉल तो इनसे ही बनती है। और मेरे पास सिर्फ एक ही बॉल बची है जो कि है नेट बॉल, और भाई इस नेट बॉल ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है हमारी बहुत बढ़िया बढ़िया पोकेमोन पकड़ने में। बट भाई जल्दी हम इसको रिटायर कर देंगे। ये कौन सा पोकेमोन घूम रहा है भाई हमारे घर में, भाई पता नहीं कौन सा पोकेमोन है, चलो छोड़ो यार इसको, इससे क्या ही फाइट करेंगे हम। यस गाइस फिलहाल हम जाने वाले थे भाई नेदर में, और गाइस नेदर में जाने से पहले मैं एक चीज बनाने वाला हूँ जो कि होने वाला है जायरोडाइन। गाइस ये जायरोडाइन मैं बनाने वाला हूँ, वैसे इसके अंदर क्वाडकॉप्टर भी बनता है, बट गाइस क्वाडकॉप्टर से अच्छा जो है जायरोडाइन है भाई। वैसे मैं क्वाडकॉप्टर भी बना सकता हूँ, बट गाइस जायरोडाइन है ना वो बहुत इजी तरीके से बन रहा है, मतलब इसके लिए कोई ज्यादा चीजें नहीं लग रही है, सिर्फ मुझे वूल स्ट्रिंग चाहिए होगा, किसी भी तरह का लॉक चाहिए होगा और आयरन चाहिए होगा। तो ये सब चीजें तो मेरे पास पड़ी हुई है, बस मैं स्ट्रिंग और वूल देख लेता हूँ कि मेरे पास है या नहीं है। देखो मेरे पास लॉग तो पड़े हुए हैं काफी सारे, ओके स्ट्रिंग भी पड़ी है मेरे पास वूल नहीं है। तो गाइस वूल के लिए मुझे लगता है भाई मुझे शेर लेकर के जाना पड़ेगा मार्केट में, मतलब मार्केट में कह रहा घूमने जाना पड़ेगा जहां से मुझे कुछ वूल मिल जाएगी, तो वूल इकट्ठी करके लेकर के आते हैं भाई, और रात भी हो गई तो सोना पड़ेगा यार अपने को। एंड यस गाइस फिलहाल मैं अपने साथ लेके जाने वाला हूं चारी डार्गो। गाइस सुबह हो चुकी है और मैं चारी डार्गो गाइस इसलिए लेकर के जा रहा हूं भाई क्योंकि यार हो सकता है रास्ते में अपने को कोई बड़ा पोकेमोन मिल जाए, उसको मारना पड़ेगा यार भाई, कुछ भी हो सकता है यहां पे। तो फिलहाल मैं चारी डार्गो बाहर निकाल लेता हूं और इसको फॉलो करा लेता हूं। एंड गाइस देखो जो पिक्सल मून है ना गाइस, पिक्सल मून के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने बड़े वाले पोकेमोन के ऊपर बैठ के उसको राइड कर सकते हैं। बट गाइस ये जो है ना कोबलमोन, इसके अंदर अभी अपडेट आया नहीं है ये वाला, बट गाइस जल्दी ही ना इसके अंदर ये वाला अपडेट भी आ जाएगा। बट गाइस हम चाहे तो इसके हाथ में कुछ दे सकते हैं, जैसे तलवार वगैरह हम दे सकते हैं। अगर मैं इसको तलवार देना चाहूं तो क्या मैं इसको दे पाऊंगा, लेट मी चेक। यस गाइस देखो मैंने इसको तलवार दे दी है, यानी कि ये और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। बट गाइस मैं इससे तलवार ले लेता हूं भाई वापस, बट मैं इसके ऊपर नहीं बैठ सकता यार, अगर इसके ऊपर बैठ जाता ना, देखो गाइस ये 3 स्लॉट अभी खाली है इसके, तो मतलब आने वाले टाइम में ये हमारा कोबल मोन जो है ना ये अपडेट हो जाएगा एंड डेफिनेटली हम काफी सारी चीजें कर पाएंगे इसके अंदर। फिलहाल गाइज ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस पे, एडमिन भाई इसमें कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, मतलब कुछ ना कुछ अपडेट देता ही रहता है, एंड डेफिनेटली भाई एडमिन आने वाले टाइम में इसकी राइड वगैरह सब कुछ खोल देगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं और ढूंढते हैं वूल, एंड मुझे लगता है गाइस मुझे वूल मिल जाएगी मेरे घर के सामने ही। भाई पानी में तो आ गया चारे डार, अब अपनी आग मत बुझा लियो, कभी आग बुझा ले अबे साले। तो यहाँ पे देख रहे हो गाइस काफी सारी वूल लगी हुई है, तो ये वूल मैं सारे के सारे निकाल लेता हूँ भाई। एंड गाइस मुझे शिप भी मिल गई है भाई, तो थोड़ा बहुत वूल मैं यहाँ से भी ले लेता हूँ, लेट्स गो। यार मैं इन शिप्स को पकड़ना चाहता था क्योंकि मुझे अपना फार्म भी बनाना है, बट यार अभी फार्म के लिए टाइम नहीं है क्योंकि अपने को एंडर ड्रैगन मारना है सबसे पहले तो जाकर के। एंड गाइस यार मैं यहाँ से ये वे पॉइंट निकाल लेता हूँ भाई, क्योंकि ये वे पॉइंट मेरे को काम ही आएगा बाद में। एंड हमारा 4000 भाई उड़ उड़ के मेरे को फॉलो कर रहा है, ये बहुत ही सही चीज है। अरे गाइस वो क्या चीज है भाई नीचे, क्या वो कोई लेजेंडरी पोकेमोन है भाई, चल के देखना पड़ेगा। अगर मैं इसको अपने 4000 से भिड़वा पाया तो डेफिनेटली मैं इसको पकड़ लूंगा। ओ भाई 27 लेवल का ही है, मैं इससे भिड़वा सकता हूँ, लेट्स गो, चलो भिड़वाते हैं। अभी मैं इससे फाइट करवाता हूँ सीधा फ्लेम थ्रोवर, ओके। अरे यार शिट ये डेड हो गया यार, मेरे को इसको यार ये दिक्कत वाली बात है यार, ये पोकेमोन कितना अच्छा लग रहा था यार, क्या ये मर रहा है? चारेदार वापिस आ जा यार, मेरे से ना एक गलती गाइस बार बार हो रही है जो मैं नहीं करना चाहता भाई। वो गलती पता है क्या है, वो गलती ये है कि मैं ना कई बार पोकेमोन को मार ही देता हूँ, मेरे को ना पोकेमोन को मारना नहीं है, मेरे को उसको पोकेमोन को कैच करना था यार, मैं उसको कैच कर सकता था डरा करके,
बट पता नहीं मैंने उसको फाइट क्यों करवा दी यार। शिट, मैंने फाइट नहीं करवानी चाहिए थी, क्योंकि यार देखो मेरा चारिजार ना 71 लेवल का है और ये 72 लेवल पे अपग्रेडेशन है, तो ये किसी भी पोकेमोन को इजीली हरा देगा, तो मुझे अब की बार पकड़ना होगा उसको। चलो तो मैं पहले हेल्थ ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा हेल्थ थोड़ा कम हो गया। सामने मुझे एक और दिख गया ये, ओके, और ये शायद लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है, वरना ये इतनी तादाद में नहीं होते यहाँ पे। एंड गाइस यहाँ पे शार्क भी है, तो मेरे को थोड़ा केयरफुल रहना होगा, कभी वो मेरे पे अटैक कर दे। और वहाँ पे 3 शार्क हैं, तो वो मेरे पास ही आ रही है एक शार्क। मुझे यार थोड़ा डर लग रहा है शार्क से, कभी ये मार दे मुझे। कहाँ पे काफ़ी सारी शार्क हैं, अगर इन्होंने अटैक किया तो डेफिनेटली ये मुझे मार देंगी। मैं एक बार इसका लेवल देखता हूँ कितना है। ओके, इसका 47 लेवल है, तो मैं इसको तो नहीं पकड़ पाऊँगा, शायद दूसरे वाले को पास चलता हूँ। गाइस मुझे लिटरली नहीं पता था भाई कि पानी के अंदर भी इतने सारे पोकेमोन होते हैं यार। गाइस मेरे को और कोई पोकेमोन तो नहीं दिख रहा है भाई, अब मुझे 47 वाले पोकेमोन के साथ ही लड़वाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। या एक बार इसको मैं पकड़ के देखता हूँ, रुको, पहले मैं अपने चारिजार को बाहर निकालता हूँ, और मैं ऐसा करता हूँ मैं कैच करके देखता हूँ इसको एक बार ही। चलो चल भाई आ जा। ओके, नीचे शार्क भी आ गई है भाई, तो डर लग रहा है गाइस। आई होप कि वो पोकेमोन डर के आ जाए मेरे इन्वेंट्री में भाई, प्लीज आ जा यार। ओ आ गया, मतलब चारिजार से डर गया वो। लेट्स गो बॉयज, जलवा है हमारा। तो भाई अपने पास एक पोकेमोन और आ गया है, जो कि पानी वाला पोकेमोन है भाई। तो फिलहाल गाइस यार अब चलते हैं सीधा एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं घर पे जाऊंगा और भाई कॉप्टर बनाने वाला हूँ अपने लिए मैं, क्योंकि भाई कॉप्टर के बगैर तो मैं नहीं जा पाऊंगा यार। अरे ये कौन सा पोकेमोन है? फोर्ट्रेस। चारिजार डाउन। अबे चारिजार कैसे मर गया? अबे पानी में डूब के मर गया क्या? माइनक्राफ्ट ब्लॉक। अबे यार मैंने चारिजार को वापस नहीं बुलाया, शायद वो पानी में डूब के मर गया। Really, nigga? Shit, man. अगर गाइस मैं इस वाले पोकेमोन को बाहर निकालता हूँ और उससे भिड़वा के देखता हूँ क्या ये पानी के बाहर सर्वाइव कर सकता है। ये 46 का है, ये 47 का है, तो चलो इससे भिड़वा के देखता हूँ मैं एक बारी। ओके चल बेटा लड़ ले। तो गाइस इसके पास एक हेक्सा करके पावर है, टैंक टूरल भाई। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हैं। इस अजीब सा नाम है इस पोकेमोन का, और मैं फोर्ट्रेस के साथ भिड़वाने वाला हूँ। तो गाइस क्या ये फाइट हो पाएगी, क्या मैं जीत पाऊंगा? पहले गाइस मैं मारने वाला हूँ बैरियर, क्योंकि बैरियर से मुझे लग रहा है ये बेहोश हो सकता है। तो चलो बैरियर करते हैं, फिर उसके बाद मैं हेक्सा यूज करके देखूंगा। तो बैरियर मैंने मारा और बैरियर से इसका हेल्थ थोड़ा बहुत कम हुआ क्या? ओके, बैरियर डिफीट रोज शार्पली। ओके मैं वापस से दूसरा ट्राई करता हूँ, हेक्सा ट्राई करता हूँ। ओके हेक्सा से इसका एचपी कम हो गया, लेकिन इसने मेरे को व्हाट, ये क्या हुआ, वो मर गया भाई? वो ये कैसा पावर था? अब ये भाई वापस आ जा यार, ये कैसा पावर मारा इसने? पहले उसका एकदम थोड़ा एचपी गया और अचानक से भाई वो मर गया थोड़े से एक्सपी जाने से ही। भाई ये हेक्सा वाला पावर बहुत ओपी है यार इसका मतलब। फिलहाल गाइस मैं घर पे आ गया हूँ और मैं यहाँ पे अपने पोकेमोन को लगाने वाला हूँ रिचार्जिंग स्टेशन पे, क्योंकि भाई मेरे चारिजार का हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो यहाँ पे इनका हेल्थ बढ़ रहा है। एंड डेफिनेटली गाइस हेल्थ इज़ फुल, तो हेल्थ फुल हो चुका है और मैं यहाँ पे दोनों ही पोकेमोन को रखने वाला हूँ भाई। और अब मैं निकालने वाला हूँ एक ऐसे पोकेमोन को जिनको हम इवॉल्व करेंगे। तो ये कुछ पोकेमोन है जो मैंने ले लिए हैं गाइस, ये इवोल्यूशन पे हैं, तो इनको इवॉल्व करके देखेंगे भाई कि ये इवॉल्व होने के बाद कैसे दिखते हैं, जिसमें मेरे पास साइडेक है, मैजिक कार्प है और पीचू है। और पीचू को तो यार मैं देख बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि यार इसको मैं अपने कंधे पे बिठाना चाहता हूँ और एक कंधे पे बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है बैठा हुआ, देख रहे हो गाइस, मतलब बहुत सही लग रहा है। और पिकाचू में जब ये इवॉल्व हो जाएगा तो और भी ज्यादा प्यारा लगेगा यार। फिलहाल मेरे को गाइस जाना है नेदर में, और नेदर जाने के लिए मुझे बनाना था कॉप्टर, और फिर उसके बाद गाइस ब्लेज रोड लेकर के आएंगे और फिर सीधा चलेंगे भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। सो गाइस जायरो ड्रोन भाई मेरा बनके तैयार है, और अभी मैं आप लोगों को इसको खड़ा करके दिखाता हूँ कि भाई ये दिखता कैसा है एक्चुअली, क्योंकि गाइस यही वो चीज है जो हमें उड़ने में मदद करेगी भाई एंड सिटी में और नेदर में भी। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको कैसा दिखता है ये। एंड गाइस मेरे को थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेना पड़ेगा भाई। एंड गाइस काम करते करते रात भी हो गई है भाई, और मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये ड्रोन कैसा दिखता है। तो देखो गाइस ये कुछ ऐसा दिखता है, और अगर मैं इसके ऊपर बैठता हूँ और इसको ऐसे चलाता हूँ ना गाइस, तो ये देख रहे हो इसको मैं ऐसे उड़ा सकता हूँ, ये बहुत सही लगता है भाई। तो भाई जब तक चारिजार का ऊपर बैठने का अपडेट नहीं आ जाता, जब तक भाई हम इससे ही काम चलाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। एंड गाइस मैं जब आर दबाऊंगा तो मैं इसके अंदर से निकल भी सकता हूँ,
तो ये बहुत सही चीज है। और अगर मैं इसको उठाना चाहूँ तो मैं इसको अपने इन्वेंट्री में भी उठा सकता हूँ। तो ये बहुत ही ओपी चीज है गाइज इस चीज के लिए, जब तक हमारे पास उड़ने वाला कोई अपडेट नहीं आ जाता जब तक। और तो गाइज यहाँ पे ईल मछली ने पकड़ लिया भाई इस पोकेमोन को, तो देखते हैं ईल मछली जीतती है या ये पोकेमोन जीतता है। ओके गाइज इस पोकेमोन ने उस ईल मछली को मार दिया भाई। हाँ यार पोकेमोन से मछलियाँ कैसे जीत सकती है। बाय द वे गाइज यहाँ पे इलेक्ट्रिक ईल रहती है बहुत सारी, जिनका देख रहे हैं मीट वगैरह पड़ा है। ये देखो ये रही, ये मेरे को मारने आ रही है भाई, मेरे को ना मार, मर जाएगी मेरे हाथों। एंड गाइस अब इकट्ठा करते हैं भाई थोड़ा बहुत ऑब्सीडियन और खोलते हैं नेदर पोर्टल। और ऑब्सीडियन मुझे पता है कहाँ पे मिलेगा। सो गाइस यार अभी मैं घर पे आ रहा था और मैंने यहाँ पे एक अजीब सा पोकेमोन देखा भाई, जो कि मतलब बहुत, देखो ये रहा है भाई यहाँ पे अभी भी, वो देखो कितना बड़ा है भाई ये, मतलब ये कोई मतलब सी मॉन्स्टर जैसा लग रहा है ये देखने में, देख रहे हो कितना बड़ा है भाई। यार काश अपन इसको पकड़ पाते, बट यार मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। अभी मैं अपना बढ़िया पोकेमोन भी नहीं लेके आया, कंप्यूटर में रखा हुआ है। चलो कोई नहीं, इसको बाद में देखेंगे भाई। आई थिंक ये ज़्यादा खास नहीं है, मतलब नॉर्मल पोकेमोन आई थिंक ये, जितना मेरे को पता है इसके बारे में। बाकी गाइस पता नहीं यार शाइनी पोकेमोन ना ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो यार मेरे को शाइनी पोकेमोन ढूंढने हैं, तो यार उसके लिए ना अभी सबसे पहले तो यार देखो मैं अभी ऑब्सीडियन लेके आ गया हूँ, तो हम एक नेदर पोर्टल खोलेंगे और नेदर पोर्टल खोलने के बाद ना फटाफट से ब्लेज लाके एंड सिटी चलेंगे, मतलब ड्रैगन को मार के एंड सिटी चलेंगे। वहाँ पे शायद अपने को शाइनी पोकेमोन मिलने के चांसेस कुछ ज़्यादा हैं। तो चलो यार देखते हैं अपने को मिल पाते क्या नहीं मिल पाते शाइनी पोकेमोन भाई। तो नेदर पोर्टल बन के हमारा रेडी है, बस इसको इग्नाइट करना है, और इग्नाइट करने के लिए मुझे फ्लिंट एंड स्टील चाहिए होगा। तो ये बन गया फ्लिंट एंड स्टील, एंड चलते हैं भाई फटाफट से इसको इग्नाइट करते हैं, और ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सीधा नेदर की तरफ। चलो गाइस नेदर में हम आ चुके हैं, और भाई ये नेदर कुछ अलग तरीके का है, यहाँ पे फैंटम्स उड़ रहे हैं यार, मैंने नेदर में अभी तक फैंटम्स उड़ते हुए नहीं देखे हैं। ये तो फिर अटैक करने लग जाएंगे यार, यहाँ से तो मतलब अपने को निकलना पड़ेगा। और अभी तक मेरे को कोई पोकेमोन तो नहीं दिखा है। ये रहा एक पोकेमोन, ये एकांश है भाई, एकांश आकाश या अकांश या क्या एकांश, पता नहीं गाइस क्या नाम है उस पोकेमोन का, लेकिन वो स्नेक जैसा लग रहा है, मतलब स्नेक ही है वो एक तरह से। बट गाइस अपने को यहाँ से निकलना भी फोर्ट्रेस की तरफ। वैसे यार मैं इस एकांश को भी पकड़ना चाहता हूँ, बट मेरे पास पिकाचू है, क्या मैं इसको पिकाचू से हरा पाऊंगा। चलो पिकाचू भी नहीं है, पीचू है गाइस मेरे पास। तो चलो भाई इसको पीचू से हरा के देखते हैं क्या मैं इसको हरा पाऊं। तो मैं थंडर शॉट मारता हूं। ओके गाइस तो मैंने इसको थंडर शॉट मारा भाई, क्या मैं इसको, ओके मेरे पास मेरे को इसको पूरा हराना पड़ेगा गाइस, क्योंकि भाई मेरे पास शॉकवेव मारता हूं। ओके मर गया वो, क्योंकि गाइस मेरे पास कोई भी ड्रैगन बॉल नहीं थी, ड्रैगन बॉल कह रहा, मेरे पास कोई भी पोके बॉल नहीं थी, तो भाई मैं उसको कैच नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने उसको पूरा मार दिया, क्योंकि यार फाइट तो शुरू हो ही गई थी। तो चलो भाई निकलते हैं फिर यहाँ से दूसरी तरफ। तो गाइज मैं यहाँ पे नेदर में आया था, तो यहाँ नेदर में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक गांव जैसा लग रहा है, मतलब ये कोई विलेज है। ओके इस विलेज में पिगलिंस रहते हैं भाई, बट गाइज पिगलिंस अभी खतरनाक भी हो सकते हैं, और यहाँ पे इन्होंने हॉगलिंस पाले हुए हैं बहुत सारे, देख रहे हो आप, उनको ब्रीड भी कराते होंगे फिर ये। एंड गाइज यार एक बहुत ही शॉकिंग चीज है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ब्लेज और मतलब सब चीजें ना ऐसे बाहर ही घूम रही है, मतलब विदाउट फोर्ट्रेस। देखो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो विदर स्केलेटन यहीं पर ही घूम रहा है, ये ब्लेज भी यहाँ पे बाहर ही घूम रहे हैं विदाउट फोर्ट्रेस। तो मेरे को यहाँ पे ब्लेज पाउडर और ये इनसे हेड वेड लेने में भाई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसका मतलब इनसे थोड़े हेड इकट्ठे करते हैं और ब्लेज पाउडर वगैरह इकट्ठे करते हैं। और इन्होंने नेदर वॉल्ट भी उगाया हुआ है भाई। ओके गाइस तो भाई अच्छे खासे मेरे पास ब्लेज रोड वगैरह और हेड हो चुके हैं, तो अब मेरे को वापस से नहीं जाना पड़ेगा नेदर में, अगर जरूरत पड़ी तो फिर देख लेंगे भाई जाना है क्या नहीं जाना। बाकी अभी मेरे पास काम की चीजें तो हो गई है जो मेरे को चाहिए थी, अब तैयारी करते हैं ड्रैगन को मारने की, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा भाई उसको मारने में, क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। यार कितने मस्त मस्त पोकेमोन आ रहे हैं यार नीचे, देख रहे हो गाइस नए नए पोकेमोन आ रहे हैं भाई, ये पता नहीं कौन सा पोकेमोन है मैंने पहली बार देखा है। लेकिन यार मेरे पास अभी बॉल नहीं है यार, वरना मैं इसको पकड़ लेता इसको भी। यार नए नए पोकेमोन आ रहे हैं भाई।
तो गाइज यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एंड सिटी में भाई एंडर ड्रैगन को मारने के बाद। बट गाइज एक चीज है यार, यहाँ पे मैंने ये एमेथिस बायोम पहली बार देखा भैया एंड सिटी में, देख रहे हो ये पूरा एमेथिस बायोम है भाई। और यहाँ पे क्रैंग ऑब्सीडियन और ब्लैक स्टोन है और ऑब्सीडियन भी है यहाँ पे और एमेथिस तो देखो भाई। बट गाइज यहाँ पे मुझे एमेथिस क्रिस्टल नहीं दिख रहा है, तो यार गाइज मैंने यहाँ पे वेस्टोन लगा देता था। तो चलो भाई वेस्टोन से वापस सीधा घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि यार अभी मेरे को वैसे तो शल्कर बॉक्स चाहिए थे, क्योंकि उनके बगैर मैं मास्टर बॉल बना नहीं पाऊंगा। तो वो तो चलो भाई थोड़ी देर में मैं ढूंढ लूंगा, क्योंकि मेरे पास जायरोडोन है तो भाई मेरे को इससे ज्यादा देर नहीं लगेगी ढूंढने में। बट अभी अपन को सीधा का सीधा घर की तरफ चलना होगा, क्योंकि मेरे को यहाँ से निकलना है भाई। मैं जाऊंगा पहले एंडर ड्रैगन की तरफ और अब यहाँ से चलते सीधा घर की तरफ, लेट्स गो। अंडा वंडा मैं उठा नहीं रहा अभी भाई, बाद में उठाएंगे अंडे को। तो चलो गाइस घर पे मैं आ गया हूँ भाई सीधा का सीधा एंडर ड्रैगन को मारने के बाद। मास्टर बॉल तो मैं अभी नहीं बना पाऊंगा गाइस, लेकिन एक चीज है भाई, मैं अपने पोकेमोन्स को इवोल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मैंने इनको पूरा का पूरा एवोल्यूशन पे रोक के गया था और आप लोगों को बोला था कि भाई जब मैं वापस आ जाऊंगा तो इनको इवोल्व करूंगा। तो चलो भाई अब इनके इवोल्यूशन का वक्त आ गया है। ओके नेक्स्ट पोकेमोन को भी बाहर निकालते हैं, जो कि है पीचू। तो चलो गाइस अब इनको इवोल्व करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं ये जो मैजिक कार्प है इसको इवोल्व करने वाला हूं, तो चलो भाई मैजिक कार्प को इवोल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा पोकेमोन बनता है, लेट्स गो। ओ भाई अबे ये कुछ ज्यादा ही नहीं बड़ा हो गया, अबे ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया अबे। चलो भाई इसको वापस बुला लेते हैं यार, ये तो काफी बड़ा हो गया यार। तो चलो गाइस अब जरा साइडक को करते हैं इवोल्व। एंड साइडक भाई ये बहुत ज्यादा मिस्ट्री थी कि ये क्या बनेगा इवॉल्व होने के बाद, तो चलो देखते क्या बनता है ये साइडक। कोई प्रो पोकेमोन ही बनना चाहिए भाई वैसे तो। ओ भाई ये क्या बन गया, सारे मिल के हमको पागल बना रहे मास। गोल्डक, अभी साइडक के बदले गोल्डक बन गया ये, और अभी ये अपना दिमाग भी नहीं पकड़ रहा। क्या ये इसकी तीसरी आंख है साले तू, आई डोंट नो भाई। तो चलो कोई ना गाइस इसको भी वापस बुला लेते हैं। और अब हमारा लास्ट पोकेमोन जो कि है पीचू, तो चलो भाई इसको भी इवोल्व करते देखते हैं पिकाचू बनेगा या क्या बनेगा। वैसे तो मुझे पता है गाइस ये पिकाचू ही बनेगा, लेट्स गो। ये बन गया है गाइस पिकाचू, और इसको अभी भी हम अपने कंधे पे बैठा सकते हैं। तो यार ये चीज बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और अब मेरे पास भाई कोई भी बॉल नहीं बची यार, मैं ना इस पोकेमोन को पकड़ना चाहता था। कहां गया वो उड़ने वाला पोकेमोन, इधर ही उड़ रहा था यार, अभी पता नहीं कहां चला गया। चलो कोई ना बात, देखो ये उड़ रहा। गाइस आप कमेंट सेक्शन में बताओ भाई इसका नाम क्या है, इस वाले पोकेमोन का नाम। इसको हम जल्दी पकड़ेंगे गाइस, अगर मैं इसको अपने कंधे पे बिठाऊंगा ना पिकाचू की तरह तो वो मुझे स्लो फॉलिंग देगा। तो भाई ये बहुत ही ज्यादा, वैसे यार मेरे को इसको एंड सिटी में लेके जाना चाहिए था, मुझे वहां पे यार जायरोकॉप्टर का यूज करके ड्रैगन के क्रिस्टल तोड़ने पड़े, वरना तो यार ये पोकेमोन होता तो मैं इजीली टावर पे जा सकता था स्लो फॉलिंग की वजह से। तो चलो गाइस अभी मैं कंप्यूटर ऑन करता हूं और इनको रखता हूं सीधा कंप्यूटर के अंदर, और अपना चारिडार को बाहर निकालता हूं। और भाई ये हमारा चारिडार हमारे पास आ गया है, तो मैं चारिडार को बाहर निकालने वाला हूं घर के यहां पे आकर के, लेट्स गो बॉयज। तो चारिडार गाइस घर के बाहर आ चुका है। एंड गाइस वन मोर थिंग गाइस, मेरे को अभी तक भी एक भी शाइनी पोकेमोन नहीं दिखा यार। मुझे लगता है शाइनी पोकेमोन कुछ ज्यादा ही रेयर होते हैं, और मेरा यार इस वीडियो में टारगेट यही होने वाला था कि मैं एक ना एक शाइनी पोकेमोन पकड़ूं भाई। बट यार एक चीज तो है, मेरे को ना एक अलग वाला चारिडार दिखा था एंड सिटी में, जो कि मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। बट गाइस मैं ये नेक्स्ट वीडियो में जरूर से रिवील करूंगा कि वो क्या था भाई। उसका कलर ना बहुत अलग था, मतलब जैसे इसका ब्राउनिश कलर है ना फायर जैसा, ऑरेंज ऑरेंज ब्राउनिश, अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब ऑरेंज जैसा और कुछ पर्पल जैसा कलर इसके विंग्स पे। बट यार उस वाले चारिडार का ना कुछ अलग कलर था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भाई नेक्स्ट एपिसोड में। एंड यार वन मोर थिंग, वहां पे ना एक रोबोटिक पोकेमोन भी था, जो कि मतलब फ्यूचरिस्ट रोबोटिक पोकेमोन हो सकता है, जो कि एंड सिटी में मैंने दिखा। मैंने अभी आप लोगों को दिखाई नहीं है वो क्लिप, क्योंकि भाई वो मैंने नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखी हुई है। नेक्स्ट एपिसोड में भी तो कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए ना। तो यार अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना यार। एंड यार देखो मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप लोग 20,000 लाइक कर दोगे तो मैं 2 दिन के अंदर इसका वीडियो डाल दूंगा। लेकिन यार देखो पिछली बार मैं डाल नहीं पाया था क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था यार, क्योंकि पता नहीं क्या दिल्ली में एक अजीब सा वायरस चल रहा है, गला ख़राब हो रहा है और बॉडी पेन हो रहा है, तो भाई ऐसा ही कुछ हो गया था मुझे। 3-4 दिन तक मुझे रेस्ट लेना पड़ा, लेकिन यार फिर भी मैंने एक 200 डेज की वीडियो बना ही दी थी भाई। बट यार इस वाली ये वाली वीडियो नहीं बना पाया था मैं। बट कोई ना गाइस ये वीडियो थोड़ी लेट आई है, अगली वीडियो जल्दी डाल दूंगा भाई, जल्दी से जो लाइक गोल है वो कंप्लीट कर देना। एंड यार हम मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट, एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।